नेशनल हेराल्ड केस में ईडी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दिल्ली में एक के बाद एक 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में भी ईडी के अधिकारी पहुंचे और वहां इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, फिर सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे गए थे। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने चुनौती देते हुए कहा कि ना डरेंगे ना डराने देंगे। तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के समेत कई ऐसे इलाके जहां पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई, तमाम जानकारी देंगे दो कदम में। आप सभी का स्वागत है, आपके साथ गगन सरोती। बड़ी खबर, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस में ईडी का छापा, तो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ भी की, उसके बाद छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के साथ जुड़ी ईडी की कार्यवाही, ये बता दी, छापेमारी का दौर लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की छानबीन जारी है और दिल्ली में कुल 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी की खबरें सामने आई हैं। बता दें कि ईडी की तरफ से लगातार शिकंजा कसा गया है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस के समेत दिल्ली, कोलकाता से मुंबई तक कई ठिकाने जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में इससे पहले सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है, उसी से पहले राहुल गांधी से भी 50 घंटों तक का ईडी की तरफ से पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई। तो लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है ईडी के सवालों की, जिसका जवाब मांगा गया सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। अब छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है दिल्ली में। नेशनल हेराल्ड ऑफिस के समेत दिल्ली, कोलकाता से मुंबई तक कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का दौर, और राहुल गांधी ने इस मुतालिक अपना बयान भी जारी किया सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने कहा है कि ना डरेंगे ना डराने देंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया, ईडी की कार्यवाही पर सवाल ये निशान खड़े किए गए। ईडी को केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाली एजेंसी करार दिया गया। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी केंद्र सरकार को घेरा गया और उन्होंने ये कहा कि ये तानाशाही फरमान है और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में 27 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किए थे, पूछताछ की गई थी, 3 दिन तक चली थी। ईडी ने सोनिया से हेराल्ड से जुड़े 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे, सवालों की फहरिस्त काफी लंबी थी। तो सोनिया से पहले ईडी ने राहुल गांधी से भी पूछताछ की, 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से भी ईडी की तरफ से पूछताछ की गई थी और छापेमारी का दौर लगातार जारी है। हेराल्ड दफ्तर में छापेमारी की गई, जरूरी दस्तावेज वहां से खंगाले जाएंगे, अपने कब्जे में लिए जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार ईडी की कार्यवाही के साथ जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है, छापेमार कार्यवाही लगातार जारी है, तस्वीरें और भी दिखाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की, तो ईडी ने दिल्ली में 12 जगहों पर छापा मारा। टीवी स्क्रीन पर देखिए आप तस्वीरें, 4 तस्वीरें हैं छापेमारी के साथ जुड़ी हुई, 4 तस्वीरें। दिल्ली में हेराल्ड हाउस पर ईडी ने छापेमारी की, सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ की, उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, जिस मुताबिक ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई। तो जिस कदर ईडी की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे, तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश है, ना हम डरेंगे
और न डराने देंगे, ये राहुल गांधी ने लिखा है। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, छापेमार कार्यवाही लगातार जारी है ईडी की तरफ से, इस वक्त क्या अपडेट? बिल्कुल अंकुर, देखिए ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है और कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है। लगभग 12 ठिकाने जो दफ्तर है, ऑफिस है या नेशनल हेराल्ड से संबंधित, उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया औपचारिक तौर से सामने आई है और वो कहा है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उस पर जो सरकार का है वो अटैक अभी भी जारी है। और साथ ही कहा कि कोई भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई या कई संस्थाओं का दुरुपयोग है वो केंद्र सरकार कर रही है, ऐसा जयराम रमेश ने भी कहा है। राहुल गांधी ने इशारों में ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐसे ही बयान देकर कहा है कि कांग्रेस की जो विपक्ष की आवाज़ है दबाने के लिए ऐसे ईडी को हथियार बनाया जा रहा है। और नेशनल हेराल्ड से संबंधित जो दस्तावेज है, जो कांग्रेस में किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं है, किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, चूँकि केस 2015 में ही बंद कर दिया गया था, तो अब दोबारा किस तरीके से जाँच की जा रही है ये कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है। थोड़ी देर पहले अंकुर, यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में जो है कांग्रेस नेताओं ने बैठक करी थी, जिसमें जो केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोयल सहित तमाम नेता मौजूद रहे थे। तो और जी और 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 तमाम जो लोग मौजूद थे उस बैठक में, तो और बैठक को लेकर के जो जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया औपचारिक रूप से दी जाएगी और सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो थोड़ी देर बाद में प्रेस वार्ता करके जो कांग्रेस की तरफ से औपचारिक जो है बयान देंगे इस ईडी की कार्रवाई पर। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस के नेताओं का बयान जो है अब आने लगा है धीरे धीरे, चूँकि कांग्रेस भी अब वो है बिल्कुल सावधानी से बयान देना चाह रही है, चूँकि किसी तरीके से कोई जो है जो जल्दबाजी में बयान दिया हुआ नुकसानदायक हो सकता है। ईडी एक संस्थानिक स्वायत्त संस्था है, उसका उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करना केंद्र सरकार उसको अपने तरीके से जी और पब्लिक में उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगालने की, तलाशने की जो कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है, कुछ और लोगों को भी पूछताछ के दायरे में लाया जाएगा? गगन, देखिए जिस तरीके से जो पूछताछ हो रही है और जो राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद सोनिया गांधी से 12 घंटे की पूछताछ हुई, उन तमाम जो पूछताछ में जो चीज़ें मिली हैं और जो उनके पास दस्तावेज थे, जो जिस तरीके से जो केस बना था वो उसके आधार पर सवाल किए गए, उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर के तमाम दस्तावेज अटैच करने के लिए जो ईडी ने आज की कार्रवाई की और दफ्तर में जो तमाम जो कागजात हैं उनको लेकर के अटैच करके जो है कोर्ट में है वो जो अपनी अपने तरफ से दावा मजबूत करेगी ईडी, चूँकि ने जो कार्रवाई की है उसका सबूत है वो कोर्ट में रखना पड़ेगा, किस तरीके से कार्रवाई की, किन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस जो बनता है वो किस आधार पर बनता है और कितना कैसे किसको क्या दिया गया और जो कंपनी बनी है उसमें किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, प्रॉपर्टी का किस तरीके से जो है लेन देन हुआ है, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के ईडी कागजात तलाश करने की कोशिश कर रही है। ईडी इसलिए ही जो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में आज छापेमारी की गई है और अलग अलग जगह से जो भी दस्तावेज मिलेंगे और तमाम जो कर्मचारियों को जो पैसा दिया गया, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि घाटे में चल रहा था उसको उबारने के लिए जो सपोर्ट किया गया था, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कागजात है, कर्मचारियों का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तमाम जो कागजात वो जुटाने की कोशिश करेगी ईडी और तमाम कागजात जुटाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी अटैच करके और जो है कोर्ट में इस मामले को ले जाएगी और वहाँ पर अपना जो दावा मजबूत करेगी किस तरीके से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बिल्कुल, कार्यवाही अलग बात, लेकिन बयानबाजियों का दौर भी जारी है, जिसके राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाह फरमान के खिलाफ लड़ना है। अब बिल्कुल गगन, देखिए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और हर जगह हर मोर्चे पर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे चाइना और भारत के बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे जो कोरोना काल में जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट सरकार का था उसको लेकर के वो लगातार हमलावर रहे हैं, महंगाई को लेकर और GST को लेकर गब्बर सिंह टैक्स नाम दे रहे थे, तो मुख्य रूप से जो विपक्षी पार्टी के रूप में वो जो है भूमिका निभाते हुए अपना जो जो है हमलावर थे केंद्र सरकार पर, इसी वजह से जो कांग्रेस नेताओं कहना है कि जो है मुंह बंद करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी, हम लड़ते रहेंगे, सच्चाई की जीत होगी, चाहे सरकार कितना ही दबाने की कोशिश करे विपक्ष की आवाज़ को। तो अभी फिलहाल तो कांग्रेस यही कह रही है कि ये एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। जी ठीक है, मनोहर बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए, जैसे कोई अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।